इसके ना मछली की तरह पैर चलते हैं, देखो देखो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है बूंदी से। सो जा बेटी। इसका नाम मैं सोचती लाडो रख दूं दिन घर का, मैं तो बड़ी हूँ। लड़ाई होगी भाई यहाँ तो कुछ तकड़ी, किसी को इतना टाइम ही नहीं छुड़वाने का, दुनिया तमाशा ही देखती है। तो भैया मुझे ना मेरी दादी माँ की याद आई है ना, मेरी दादी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। देखो रोटी कैसे फूल रही है, देखो खुशखबरी भाई ये भी है, जो हमारी रानी है वो माँ बनने वाली है। चीकू की याददाश्त ना कमजोर होती जा रही है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 12:30 और मैं अभी व्लॉग शुरू कर रही हूं। आपको टाइम दिखा देती हूं, पूरे 12 बज के 20 मिनट हो गए और यहां पे चल रही भाई फुल मस्ती। लड़के का ना नामो निशान नहीं है सोने का, मैं तो पाल थक गई। एक काम कर तू ट्राई कर ले। मैं क्या, अभी इसका सोने का मन नहीं है, जब सोने का मन होगा अपने आप सो जाएगा। वैसे ना एक बात है, बच्चों को सुलाना ना एक अलग ही टास्क है, मतलब कि ना ऐसे लगता है तुमने कोई जंग जीत ली है। जब बच्चा सोते ना इतनी शांति मिलती है, चलो बच्चा सो गया। पर हमारे साथ तो बड़ा उल्टा ही है, जैसे ही बच्चा सोता है ना, मैंने पहले जैद को कोशिश करी सुलाने की तो देखा तूबा जाग गई। आवाज आ रही थी मुझे। जैद जैद आज हॉरर मूवी देखे, कोशिश तो करता है हिलने की पर पैर ही पैर हिलते हैं। मछली है, मछली। क्या हो गया जैद, क्या हुआ है? लॉटरी लगी सी भाई। कौन सी लोटी लगी है? लोटली कौन सी लगी है? लोटली कौन सी लगी है? अले अब्बा वाले बाबा, तो बीमार हो जाता है, देखने जाता है। तो मत सो, पूरी रात मत सो, खेलता रहे। फोन लेगा आपका इसका, इतना तो चली लेगा गुड्डू, इतना देखो इतना तो पकड़ ही लेगा ये। चलो जैद आपका टास्क है ये बेटे, यहाँ तक आओ। आ गया गुड्डू, कर रहा है फोन के लिए, आ रहे बच्चे आजकल के फोन के दीवाने है। आओ जैद, वेरी गुड वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड मेरे बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, पकड़ लिया गुड, वेरी गुड वेरी गुड मेरे बच्चा, वेरी गुड मेरे बच्चा, तालिया क्लैपिंग। आओ जाओ आगे यहाँ तक, और आपकी बाउंड्री हूँ मैं, आज जल्दी आओ जल्दी आओ। ये देखो ये पहले क्या करता है गुड्डू, पहले सर खिसकाता है उसके बाद बॉडी खिसकाता है। जल्दी आओ, ये देखो ये देखो ये देखो, वेरी गुड वेरी गुड। आज तो पूरी कसरत करा दी भाई से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को लगता था क्रॉल नहीं कर पाएगा, बट जिसने भी मुझे कमेंट किया था ना कि आप जैद के सामने ऑब्जेक्ट रखो ताकि वो क्रॉल कर पाए, बिल्कुल सही बात है। जिसका बच्चा क्रॉल नहीं कर पा रहा आप भी ऐसे करना। तो ये वो पजामा गाइस जिसमें ना ये आंख नाक मुंह बैक पिल बनी हुई है, और देखो इसके ना मछली की तरह पैर चलते हैं, देखो देखो देखो। अगर म्यूजिक चला होता ना गुड्डू तो उसके पैर ही पैर मटकते हैं। नाचता है ये सच में। मैं नाचू चीकू, ऐसे कौन नाचता है बेटे? चीकू बड़ा हो गया तू, पागल। चले बेटे इधर आ जा, आ जा भाग के आ जा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। आ गया आ गया आ गया मेरे बेटा आ गया, शाबाश। प्रसाद बंटवा दूं आज? हाँ बंटवा दो, प्रसाद के अंदर बता देंगे। क्या बनवाओ भाई? बूंदी बंटवा दो, बूंदी कहते थे ना पहले, बूंदी बांटते थे गुड्डू ज्यादातर। बूंदी भुजिया, वैसे पहले एक टाइम था, वैसे सच में है भगवान ये टाइम होता था बूंदी का, बड़ा टाइम हो गया बूंदी खाए हुए। मंगलवार को मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है बूंदी से। जैद स्कूल जाएगा बड़ा हो गए है, जाएगा? हाँ बता, अभी भेजू कल से स्कूल तेरे को? है चीकू भेजू? नहीं पापा अभी तो नहीं, अभी तो बस यही सीखा। पापा दादा अभी यही सीखेगा। जैद देख रहे बेटा कैसे बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा पीछे में देखो आपके आपके पीछे, ये देखो इसने गाड़ियों की लाइन लगा रखी है चीकू ने यहाँ पे। तो हमारी ना इस वाली वॉल पे ना यहाँ पर और ये वाली वॉल पूरी, तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा सीलन आ गया। मतलब कि ना सीलन ऐसी चीज है कि जितना मर्जी आप अच्छे से अच्छा बढ़िया प्रोडक्ट यूज करो बट सीलन ना आ ही जाती है। तो चीकू के पापा कह रहे हैं कल मैं इसका कुछ करता हूँ, पर मेरे हिसाब से देखो जितना मुझे पता है कि सीलन का जो इलाज है ना सिर्फ टाइले होती है, बाकी पाल से पूछती हूँ। पर कुछ हो सकता है सीलन का? मुझे बता बोलो सीलन का कोई आइडिया नहीं है। तू बा गुड मॉर्निंग बितिया, गुड मॉर्निंग शोना। मतलब हमारे यहाँ पे ना गाइस दिन रात का कुछ नहीं पता, अगर हम ब्लॉग बनाना चाहें ना तो हम सुबह अलग शाम को अलग रात को अलग बना सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं ना हमारे उनका कोई टाइम नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है सोने का। सो जा बेटी है, सुबह काम भी करना है पापा को। सो जा मेरी लाडी, सोना है नहीं सोना? इसका नाम मैं सोचती लाडो रख दूं दिन घर का, रख दे दे। लाडो अब नहीं बोल पाओगे तुम, जो बचपन में तुमने रख देते ना होते इसका। जैसे अब तूबा रख दे तो तूबा के लाओ तुम्हें 10 साल लग जाएगा। सही बोल रहा मैं, पहले इसका क्या रहा है पृथ्वी कृष्णा, कितना मुंह से निकलता है, नहीं निकलता ना। हम चल फिर भी कोशिश करते हैं, बट वही है जो है। अब तेरा नाम शुरू में ना मैंने इनको बोल दिया था कि जो नाम रखना ना अभी रख लो, बाद में चेंज नहीं होगा, ये जुबान पे आ जाएगा। पायल का नाम देखो पायल, हम दूसरा नाम बोल ही नहीं पाते इसका। दूसरा नाम ही नहीं मेरा कोई रखा ही नहीं कभी किसी ने, न तुमने रखा कभी न इसने रखा, बच्चे तो क्या ही रखेंगे। चल तेरा नाम लाडो रख दे यहाँ से। लाडो चाय पीगी? लाडो है लाडो बता। चीकू नीचे गिर जाएगा भाई, आराम से। खुश कौन से मोड़ में? दिखाती हूँ आपको ये लो, ये इसका देखना अभी। हाँ गाय चेक करना। तूबा तूबा इधर आ बेटा, क्रॉल करना ये तूबा लेना।
ये तो भैया वो नहीं होता वो कौन सा होता है एनाकोंडा सांप एक मिनट में पहुंच जाती है उसके पास को बीच में ना ब्रेक भी लेती है आ जाओ सांस भी लेती है नहीं मेरा फोन का पासवर्ड ना तुम हैंग मत कर देना कभी इनको दे देगा फोन गुड्डू इसका पजामा देखो उल्टा पहरा वेरी गुड तू बा ना भाई ये तू भी ऐसे बैठता है आजकल ऐसे बैठती है हाँ चीकू इसका खाए पे निकालेगा क्या चीकू तेरे ऊपर निकल नहीं नोचता चीकू ही नोचता है नाखून है नाखून बस अब इसका मूड कर गया रोने का मत छोड़ो पहले इसको सोने का मन कर गया थक गया ना खेल लिया इसने क्रॉल किया बहुत सारा गोलू क्यों लेके आये सो रहा है ये लेके आई तू सच में मैं यहाँ से कैसे लेके आ सकती हूँ निक्की लेकर आई देखियो देखियो आंखों में नींद है इसकी क्यों लेके आई दीदी यार ऐसे मत करो यार बच्चों के साथ यार मैंने किया दूध वो सो रहा था उठा के लेके सारे बेटा इसने ये सोचा वो सारे खेले तो वो भी खेले वो बेचारी बच्ची है ना निक्की और कौन मैं थोड़ी मैं तो बड़ी हूँ शेर जी यहाँ सो रहे हो शेर जी क्या हुआ शेर जी कहीं जाना घूमने बेटी क्या हूँ इधर हूँ मैं कहीं घूमने जाने दांत आ गए भैया इसके दांत काट काटती है चीकू बहुत तेज नहीं काटती नहीं अच्छा तेरे को तो काटेगी तू तो जब भी आने बोलेगा कोई बात नहीं इसकी बहन बेटा क्या हो गया क्या क्यों परेशान हो रहा है क्यों परेशान हो रहा है कहाँ जाएगा फोन लेके डेंजू डेंजू पता नहीं बस आप ये जाए ना जाए आपके स्पीकर में थूक ना डाल दे पर ध्यान रखना आपका स्पीकर दे दे बेटा फोन दे दे मेरा थैंक यू सो मच गाइस आप कैरावन वाले ब्लॉग को बहुत ज्यादा प्यार देते हो और ऐसे प्यार देते रहे क्या हो गया क्या कह ये कह रहा है मेरा दिमाग मत खराब करो सोने दो मुझे तू भी ओए तुबा ये मेरे को देख ले पल थोड़ी दिन बाद तो लड़ा करेंगे आपस में बहुत होगा हैं ये इसके बाल फाड़ेंगे उसके बाल फाड़ेंगे ऐसा होगा मुझे ऐसा लगता है कि तुबा मारेगी दोनों को ऐसा लगता है क्योंकि तुबा जल्दी चलने भी लग जाएगी ऐसा लगता है नहीं आज मारेगा सबको पहले नहीं आयान मारेगा सबको पहले देखते हैं कौन किसको पीटेगा अरे हाय गुड्डू जब आपस में लड़ा करेंगे तो हम किसको समझाएंगे कि आप बड़े हो बेटा आप समझो आप छोटी हो बेटा आप समझो मतलब ये लगा दो से तीन दिन हो गए बाहर ही बहुत ज्यादा घूम रहे पर फार्म पे काम प्रॉपर चल रहा है तो आज देख लेते हैं कौन कौन से एनिमल फार्म में पहुंचे हुए तो वो यहाँ पर खड़ी हमारी कैरावन तो आज फार्म में जाने के लिए हमारे साथ है लक्ष्य तो लक्ष्य कह रही है बहुत दिन हो गए मैं फार्म नहीं गई बहुत दिन हो गए करना पीछे से टाइम नहीं लगता ना घर में बहुत सारे काम होते बच्चे होते हैं बच्चों को भी देखना होता है नहीं भैया सही कह रहे हो तीन बच्चों की जिम्मेवारी ना बहुत होती है मतलब ये लगा लो पूरा संभालना देखना खाना पीना करना एक अलग ही टास्क होता है उनका भी दो चार लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट थे कि हम आपकी जो कैरावन की सीरीज है ना इसको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी बोला उन्होंने कि जो व्लॉगर होते हैं ना वो घर के ब्लॉग में ये खाना खा रहा हूँ मैं पी रहा हूँ मैं सो रहा हूँ मैं नाच रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं करते आप करते हो डिफरेंट कुछ तो भाई आप लोगों का प्यार है इसी वजह से हम डिफरेंट कर पा रहे हैं वहाँ झगड़ा ओहो झगड़ा और देख लड़ाई होगी भाई यहाँ तो कुछ तकड़ी यहाँ हुआ किस बात पे हुआ लक्ष्य पूछ लेते क्या हुआ भाई ईट वीट मारने लग गए गाइस यहाँ पे तो देखो सब लोग ना खड़े होकर देख रहे हैं मैं सोच रहा हूँ कि ना छुड़वा देनी चाहिए झगड़ा है ना भाई पता नहीं ना किसकी झगड़े में कुछ का क्या नुकसान हो मतलब नया साल है यार मत लड़ो ना गिप यार ये बार छुड़वा दें चलें कि ना मजे ले रहे हैं छुड़वाना चाहिए यार छोड़ दो बाजी 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 कुछ ज्यादा लड़ाई बढ़ रही है छोड़ ही नहीं रही है तो छोड़ो ना बाजी पुलिस केस हो जाएगा ठीक ठाक लग रहे हैं बहुत ज्यादा लग रही है अगर चाहे ना देखो इतने सारे लोग है छुड़वा सकते हैं यार देखो हमने तो गिप्पी को भेजा हम भी गए हैं ना वो मैं तो कब से लगा हूं वो गाना लगा कब से लगा हुआ है बहुत तगड़ा झगड़ा है भाई ये तो भाई लोगों को तमाशा देखना होता है लोग नहीं छुड़वाते भाई किसी को इतना टाइम नहीं देखो गाइस जितना हमसे हुआ हमने छुड़वा दिया ऐसी ऐसी चीजें थी जो मैं कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करना चाहता और ना इनको फैलाना चाहता हूं शायद आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना ये ब्लर होगी क्योंकि किसी प्राइवेसी होती है चीजें हैं मैं नहीं खराब करना चाहता खून तो बहुत बहा भाई खून बहुत बहा है किसी को इतना टाइम ही नहीं छुड़वाने का आज की दुनिया भाई दुनिया तमाशा ही देखती है दर्द होगा इनके घर वालों को उनके घर वालों को और ये रिश्तेदार थे डर गई थी तू भी है ना और क्या उसका खून बिल्कुल ऐसे चोरा से टूटी चल रही हो जहाँ से हमें फार्म पे जाना था ना वहाँ का रास्ता सारा बंद है और हम घूम के आए हैं जब जाके हमने ये लड़ाई देखी है और लड़ाई भी भयंकर थी भाई एक दूसरे के सिर फोड़ रहे थे एक की नाक फट गई यहाँ से आंख फट गए तो मैं तो ये कहूंगा यार थोड़ी देर का गुस्सा है थोड़ी देर के गुस्से में ना बहुत सारी चीजें हम खराब कर लेते हैं
लाइफ खराब हो जाती है। तो भाई थोड़ी देर का गुस्सा है, थोड़ी देर के गुस्से के लिए थोड़ा शांत बैठ जाओ, फैमिली के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो और ठंडे हुए बैठ जाओ, ठीक है, मैं तो ये बोलूंगा। तो भाई घूमते घूमते बहुत ज्यादा भूख लग गई, मुझे तो लगी है, पीछे जो औरत बैठी है इसको भी लग गई। औरत है, तीन बच्चों को संभालती है, तीन बच्चों को संभालती है तो औरत ही है तू। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम जहाँ फार्म जाते हैं ना वहाँ मेन रोड पे, हमने लास्ट टाइम चावल तू थी ना जिस टाइम, हाँ, कड़ी चावल और राजमा चावल खाए थे। हाँ, तो साथ साथ भाई ये लड़का भी, इसको भी भूख लगी हुई खाने, क्योंकि जो हमारी काम वाली थी ना नीचे जो काम करती थी वो एक महीने की छुट्टी पे चली गई गाँव, उनका कुछ होता हुआ त्योहार व्यवहार, तो एक महीना मैंने बोला या तो काम वाली रख लो या फिर भाई अपना खुद खाना बनाओ। तो शांति दी भी जा रही है। कब जा रही शांति? अभी थोड़े दिन में जाएंगी वो, हमने उनको बोला कि किसी को लगा के जाना फिर जाना। कितने दिन के लिए जा रही है वो? एक महीने के लिए बोले वो भी। अरे यार भाई बहुत दिक्कतें हैं, देखो लोग भी तो बहुत हैं, दो चार लोग रोटी तो बना खा भी ले, और 17 लोग ऊपर रहते हैं, 7 लोग नीचे या फार्म में। चलो फार्म में तो बच्चे अपने ना खुद खाना वाना बना लेते हैं। तो भाई हम रुके हैं सरदार जी फूड पे, हमारी माता जी है शायद, खाना पता नहीं खत्म हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है खत्म हो गया, लग रहा है तेरे को या मिलेगा? मिल जाएगा शायद, इसलिए खड़े हैं। नहीं होते तो घर चले जाते। हाँ और क्या, तो मम्मी हाथ की खाना मिल जाएगा, मेरी दादी जैसी है, पता है मेरी दादी ऐसी ही थी। तो भैया मुझे ना मेरी दादी माँ की याद आई, ना मेरी दादी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी और आज वही स्वाद मुझे यहाँ मिलने वाला है। एलेक्स आप देख के ना, मैंने आपको देखा कंटिन्यू देख रहे हो, स्माइल कर रहे हो, आपको पूछा दादी की याद आ रही है? आएगी यार, मेरी माँ थी तो मैं अब ना जब भी मुझे भूख लगा करेगी ना तो मैं स्पेशल यहाँ खाना खाने आया करूँगा, और इनके हाथ का खाना ना मुझे लग रहा है भैया बिल्कुल घर से भी बढ़िया मिलेगा, और साथ में जो प्यार है ना दादी वाला वो भी। तो अभी अभी ना मैंने माइक बाहर लगाया, क्यों ना अंदर माइक ना, अंदर ना मेरी चेन और थोड़ा सा मतलब बीयर डल रही थी, आवाज़ कम आ रही थी। तो यहाँ पे पाजी ने बना दिया भैया दाल। पाजी क्या क्या बनाया आपने हमारे लिए? दाल है, कढ़ी है, राजमा। हाँ, दाल कढ़ी राजमा, और वहाँ पे हमारा जी माता जी है, उन्होंने रोटी बना दी है, और स्वाद लेंगे बताएंगे खा के कैसा लग रहा है। मैं सोचा मैं पायल को भी बुला लूँ यहाँ पे एक बार, है ना, पायल को बुला लूँ? हाँ हाँ बुला लो। तो भैया यहाँ पर खूबसूरत सा टेबल लग गया है, ये हमारी दो चेयर हैं, और लक्ष्य के मुंह में पानी तो आ रहा है क्योंकि घर से खा के आई है, कुछ ना कुछ घर से क्या खा के टेस्ट करेगी, हमसे ज्यादा भूखा तो ये है ये खड़ा। ये कह रहा सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, खाएगा कैसे क्योंकि जो हमारी मेड थी भाई वो एक महीने के लिए घर चली गई है, और फिर मेड ढूंढना मतलब आज के दिन बहुत बड़ा टास्क है ना। तो भाई ये अपना खाना आ गया बहुत बेहतरीन सा, और मुझे लग रहा मुंह में पानी आ रहा होगा, टेस्टी लग रहा देखने में बहुत। हाँ? हाँ। तो मैंने बोला भैया से कि रायता भी आपके पास? कह रहे हाँ रायता भी है मेरे पास, मैंने थोड़ा रायता दे दो यार, और दादी ने बोला मुझे रायता है, मैं बोला दो। फिर देखो रोटी कैसे फूल रही है, देखो क्या बात है। तो वाकई में गाइस मतलब इतना आनंद आ रहा ना खाना खा के, मजा आ रहा है जबरदस्त वाला। अक्ष घर से खाना खा के भी आइए, फिर भी कोशिश करिए खाना खाने की, शर्म नहीं आती तेरे को? टेस्ट तो करूंगी। तो भाई जो ये खाना नहीं मेरे घर के बिल्कुल पास में ही मिलता है, यानी लगा लो 5 से 6 मिनट का रास्ता है। तो मैंने अभी बोला लक्ष्य को भी बोला खा लेते थोड़ा, अगर ये थाली आप किसी होटल में खाओ ना, यहाँ से जो लोग आ जा रहे हैं ना वो मुझे देख देख के जा रहे हैं, ये अरमान ही है ना। तो भाई पीछे मुंह मुड़ के देख रहे हैं, तो भाई खाना यार खाना खाना होता है, कहीं भी खा सकते हैं, 5 स्टार में खा लो वहाँ टैक्स लगता है, यहाँ खा लो तो थोड़ी इनकी मदद हो जाती है, तो जितना हो तो साफ सुथरा स्ट्रीट फूड खाना चाहिए। खाने में इतना ज़्यादा भैया मज़ेदार नशा, वैसे अगर सुना हो ना किसी ने खाने में नशा होता है, मैं पैर फिसल गया था। आपको कम से कम 700-800 रुपए देने पड़ेंगे, और यहाँ पे मुझे लग रहा है भाई थाली कितने रुपए की देते हो आप? 80 रुपए की। क्या बात है, क्या क्या देते हो 80 रुपए में? 4 रोटी और ये पूरा पैकेज 80 रुपए में है, 80 रुपए में दाल बहुत टेस्टी है, कमाल भाई 80 रुपए में कुछ नहीं मिलता। अच्छा ये 90 रुपए की पैक करके, सही है। तो भाई मुझे पता था कि ना घर जाके झगड़ा वगड़ा होगा, तो इससे पहले मैंने ना 2 प्लेटें पैक करवा ली, वो देखो सामने रखी है, गोलू भी खा लेगी पायल भी खा लेगी, और एक प्लेट मैं नीचे बच्चों को भेजूंगा, उनको टेस्ट पसंद आया, टेस्ट तो देखो पसंद आना ही आना, ना तो है ही नहीं, तो वो यहाँ पे जब तक हमारी काम वाली नहीं आती तो यहाँ से खाना ले जा सकते हैं रोज, ठीक है लक्ष्य? तो भाई एक बार जरूर आना, जीरकपुर हो ना आप तो यहाँ पे आके खाना जरूर खाना, मतलब मजा आ जाएगा यहाँ पे खाना खा के। आपको दिख ही रहा वो KFC है, KFC से हम जब चंडीगढ़ की तरफ जाओगे ना मोड़ पे दिखेगा आपको ये। तो भाई यहाँ पर खाना पैक हो गया, और यहाँ पे जितना राशन है ना ये निपटा देगा, केला निपटा देगा ना। तो आज बहुत दिनों के बाद चीकू को मैं लेने आया हूँ ट्यूशन से, बहुत सालों के बाद। चल ना बहुत साल थोड़ी हुए, अभी तो आया था 1-2 महीने पहले लेने। हाँ, तब भी हम आए थे, याद कर रहे तब भी हम आए थे। हाँ जी। अच्छा तुझे पता नहीं था ना मैं हूँ? नहीं। तो आज हम 4 से 5 दिन के बाद फार्म जा रहे हैं चीकू, है ना, 4-5 दिन हो गए ना। आज दिल कर रहा जाने का? दिल कर रहा था मेरे को जरा जरा नहीं से।
सम्राट सिंह और खुशखबरी भाई ये भी है जो हमारी रानी है वो माँ बनने वाली है पता तेरे को और राजा राजा बाप हाँ। तो भाई सर्दी का माहौल हमारे फार्म में कुछ ज्यादा ही है आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे सारे खेत वेत है धुंध बहुत ज्यादा चीकू बहुत धूप है तेरे को ठंड नहीं लग रही नहीं इतने से कपड़े पहन के घूम रहा तू अंदर कुछ पहना ये निकालो मुँह से गंदा लग रहा है लक्ष्य की जैकेट वैकेट क्यों नहीं पहनाई भाई इसको पहनता ही नहीं उतार देता नहीं मैं सुबह से बनाया नहीं चल तू घर चल मैं बताऊंगा तेरे को चल फटाफट चल अंदर ठंड लग जाएगी चल भाग भागने से तो भाग के मत जाइयो भाई सबसे पहले मिल लेते हैं हमारी तुलसी माँ को और तुलसी की तबीयत पहले से बेटर है नीचे गिर जाएगा चीकू ठीक है ना सर्दियों का टाइम ऐसे है नीचे गिरते चोट लग जाएगी तो अंदर तो ठंड नहीं है बाहर बहुत ज्यादा ठंड है क्योंकि ना आपको पता ही साथ में खेत वेत है सम्राट हेलो भैया क्या हाल है चीकू सम्राट ने तुझे गिरा था याद है थोड़ी मट्टी जम गई थी अब पूरी खुदवा दी हमने पापा लेकिन याद तो बहुत जल्दी आता है ये बता कब गिरा था इसने तेरे इसे 6-7 महीने पहले गिरा था अभी 2-3 दिन पहले जब गिरा था सिर लगा था तेरा वहाँ गिरा ऊपर से गिर गया था तू पता याद है वो इसके ऊपर से गिरा था दीवार के ईंट ईंट के दीवार पे तो भैया यहाँ पर तुलसी की हालत भी बेटर है ये भी बेटर है और इनको देखो हरा चारा दिया जाता है हमारे देखो यहाँ पे फार्म में है नहीं हरा चारा बाहर से ला के हम इनको खिलाते हैं तो थोड़ी सर्दी ज्यादा है ना बाहर तो हम क्या कर रहे हैं राजा रानी को भी आजकल अंदर ही बांध रहे हैं छोटे बच्चे हैं 2-4 पता चलो 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 क्या हो गया चीकू इनको इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यहाँ पर इनके खाने का टाइम हो गया इसलिए चिल्ला रहे हैं ये चीकू इनके खाने का टाइम हो गया इसलिए चिल्ला रहे थे देख अब आराम से खा रहे हैं ना अब उसको खुलना है खुलना है मत खोलियो राजा रानी है बेटा काट ना ले तो आज बहुत दिनों के बाद मैं राम और गंगा से मिलने आया हूँ कहाँ पे थे भाई तुम ठीक हो तू तो जाना था तेरे को तो जाना ही गंगा आ जाएगी तेरे बाजू को हेलो गंगा तो हमने 2 हीटर लगा रखे एक इधर ये पूरा गर्म रहता है इनके सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे तो भाई ये चिड़िया देखो कितनी प्यारी है तो मैं आपको दिखाता हूँ ये बहुत सारी चिड़िया है यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लग रही है और मैं जाली के अंदर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को ये देखो ये वाली चिड़िया है देखो इतनी सुंदर है ना ये कुदरत के रंग है सारे बहुत सुंदर है तो ये कपल देख लो कपल भी बहुत सुंदर है राम राम जी राम आ जाओ रानी आ जाता रानी आ जाएगी रानी नहीं आप भी भूल गए रानी और सॉरी सॉरी गंगा ये लड़ते हैं आपस में देखो लड़ते हैं बेटा बहुत बड़ा है वो आप उसको काट रहे हो देख रहे इसको पता ही नहीं है ना चीकू इसको पता ही नहीं है कि इससे बड़ा है हाँ खुल गई हाँ जी देखो हाँ बहुत सुंदर बच्चे खुल गई बेटा सब भी लग जाए इनको छोड़ो माँ के पास इनके चलो चीकू क्या नाम रख रहा तू इसका नाम हम रखेंगे भूरा भूरा ठीक है फिर तो भाई यहाँ पर सभी बच्चों की आँख खुल गई है और इसकी तबीयत भी पहले से ठीक है इसकी माँ की दवाई दुई चल रही है मेडिसिन चल रही है और यहाँ पर हमारे बाकी के डॉग यहाँ पर आराम कर रहे हैं सर्दी से बचे हुए हैं जितना हमसे टेक केयर हो रहा है हम उससे ज्यादा ही करते हैं तो गाइस अभी आके आप ये बच्चे ले जा सकते हो इनकी आंखें खुल गई हैं आप अभी इनको अडॉप्ट कर सकते हो और एक अच्छी जिंदगी दे सकते हो और हम भी बस यही उम्मीद करते हैं कि हम भी ज्यादा से ज्यादा इनका ध्यान रखें ये 6 डॉग हैं 3 इसमें से मेल है 3 फीमेल है चीकू यहाँ पे देख मेरे फोन में देख चीकू मैं देख छोटी छोटी चिड़ियों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखियो देख रहे वैसे तो हमारा कैमरा अंदर जाता नहीं है पापा यहाँ पे देख चीकू खाना खा रहे हैं ये इधर आना देख रहा देखो कितना सुंदर लग रहा है ना तो भैया हमारी जो बर्ड्स है ना उन्होंने इसमें बच्चा दे रखा है और बच्चे के थोड़ी बहुत पंख आपको शायद मैं दिखा सकता हूँ दिखेंगे नहीं अंदर कैमरा नहीं ले जा रहा ना इसके अंदर बच्चा है और थोड़े दिन बाद वो पूरा कैसे बन जाएगी चिड़िया बन जाएगी ऊपर है तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे और कल सुबह आते हैं सबसे मिलने के लिए रानी मम्मी बन गई है तो भाई किसी को भी इनके डॉग भी अलग अगर ऑप्शन करानी है तो ले जाना कभी यहाँ से ले जाके बेचने में ले जाना हाँ नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं दे रहे हाँ नहीं दे रहे तेरे बच्चे नहीं दे रहे चलो रानी के मना कर रही है चीकू हाँ जी रानी के बच्चे ना देना हाँ रानी के बच्चे हाँ उसको अडॉप्शन के लिए नहीं करेंगे उनको यह रहने दें हाँ जी तो गाइस अभी मैं पहुंचा हूँ घर और आज मैं और चीकू बहुत घूमे पूछो मत इतना आतंक मचाया मैं इसके लिए कुछ खाने का भी लाया हूँ तो आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं नमस्ते बाय बाय ध्यान रखो सेफ रहो